नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बायसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को व्यू देता हूँ। तो आज के लिए मैंने व्यू दूंगा इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो मैंने इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी NR4, NR7 और बहुत सारा कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने एक्सेल शीट में डेवलप किया, उसका कौन सा स्टॉक्स में वो फॉर्मेशन हुआ है वो भी दिखाऊंगा। और मैं मेरा जो 100 डे EMA का जो 100 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटजी है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, कौन सा स्टॉक्स में ये सिनेरियो बना है। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और ये बायसेल लेवल का भी रेगुलर देता हूँ। और बहुत सारे चार्ट का सेटअप स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने का, रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट करने का बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करता है। और मैं जो इसमें देखिए, मेरा पिछले वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो मैंने बोलता हूँ कि मेरा बायसेल लेवल कम स्किनर में और क्या क्या शेयर करता हूँ। बायसेल लेवल मैंने बायसेल लेवल कम स्किनर और बायसेल लेवल 3-2 शेयर करता हूँ। बायसेल लेवल कम स्किनर में बायसेल लेवल 3-1, 2 और 3 रहता है और स्क्रीनिंग करने के लिए वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जीएमए का क्रॉस ओवर, बोलिंजर बैंड प्रोबेबिलिटी, बीडब्ल्यूएपी प्राइस चैनल, टिरोल लेवल और ये सब स्क्रीनर रहता है। और बायसेल इस सीट में आप लोग को बायसेल लेवल 3 मिल जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं बायसेल लेवल 3। इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बायसेल लेवल रहता है, अप ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, अप ट्रेंड रिटेस होकर नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड रिटेस होकर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा। इसीलिए इधर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में बायसेल रखा है और इधर कौन सा लेवल पर कौन सा स्टॉक है ये भी आप लोग को दिख जाएगा। और इधर से आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है, इधर से 530 में क्रॉस ओवर है, इधर 955, 100, 20, 50 ये सब ईमे का क्रॉस ओवर दिया हुआ है, इधर से आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है। और इधर आर्बिट्रेज का जो बेसिस पर जो लोग आर्बिट्रेज कर सकता है, इस स्टॉक इक्विटी और इक्विटी कैश और फ्यूचर्स का कौन सा डिफरेंस कितना है वो आप लोग को दिख जाएगा। और जो लोग कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग का पेयर ट्रेडिंग करना चाहता है, कौन सा स्टॉक्स में अंदर पेयर ज़्यादा है, कोरिलेशन को पीसेंट ज़्यादा है, वो भी आप लोग को दिख जाएगा। और इधर इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें वन डे टू डे का ये इनसाइड द बार दिखाएगा, NR4 NR7 दिखाएगा और बहुत सारा कैंडल स्टिक पैटर्न है वो भी आप लोग को दिख जाएगा। और बायसेल लेवल 3 को मैंने अलग से फाइल बनाया, क्योंकि ये मेरा सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इधर ये सबसे सेफेस्ट लेवल है, इसके लिए इधर इस फाइल अलग से बनाया है। और इधर 534 का ईमे क्रॉस ओवर है और करेंट हाई प्रीवियस क्लोज का हिसाब से करेंट हाई लो क्लोज जो है वो उसका हिसाब से आप लोग स्क्रीनिंग भी कर ले सकता है। एक बार जब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आप लोग का एस्टेब्लिश हो जाएगा, अप ट्रेंड का बायसेल लेवल देखेंगे नहीं तो डाउन ट्रेंड का बायसेल लेवल देखेंगे, तो काम करने के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। तो और ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आप लोग ज्वाइन हो सकता है, कुछ दिन के लिए ट्रायल देख सकता है। तो इसका लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और भी इस फाइल डाउनलोड करने का भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा, सैम्पल फाइल डाउनलोड कर, ये सैम्पल फाइल होगा, करेंट फाइल नहीं होगा और वो मिल जाएगा। और बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक आप लोग को उधर दिया जाएगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा और वो वीडियोस और जो लिंक हो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि देखेंगे वीडियोस और लिंक आप लोग जरूर देखेंगे, तो ताकि आप लोग को मेरा जो ये कैसे काम मैंने करता हूँ और कैसे ये बायसेल लेवल काम करता है वो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए बायसेल लेवल 1 आप लोग देख सकते हैं, बायसेल लेवल 1 में भाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ और टारगेट सेल का भी एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। और गैप अप और गैप डाउन आप लोग को कंसीडर कर लेंगे, आप लोग आज का
आज का नहीं तो अगला और भी कुछ ही दिन का वीडियोस आप लोग देख लेंगे, तो कौन सा लेवल पे कैसे एंट्री लेना है इसको आप लोग को पता चल जाएगा। क्योंकि इधर इधर देखिए, इधर 368 और 371 के बीच में ओपन होगा, तो 368 के सॉरी 369.70 ऐसा कुछ होगा, तो 371 टारगेट के लिए आप लोग देख सकता है। लेकिन 371 का नज़दीक ओपन होगा तो 371 क्रॉस करने के बाद ही आप लोग एंट्री लेंगे, और इस टारगेट के लिए ओपन लेके ये आप लोग को समझ लेना पड़ेगा कैसे एंट्री लेना है। वैसे लेवल 2 दिखाता हूँ, यह है वैसा लेवल 2, और इधर आप लोग को किसी भी क्वेंजिस में आप लोग को एंट्री लेना सुविधा होगा उसमें आप लोग एंट्री ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यह है वैसा लेवल 3, इसमें R1 एंट्री लेवल है और S1 बाई का एंट्री लेवल है, S1 सेल का एंट्री लेवल है, सभी में। और ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, इसका आप लोग देख सकता है बोलिंजर बैंड का मिड बैंड अपर बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू आप लोग नोट कर सकता है। एंट्री पॉइंट होता है, हो सकता है प्राइस चैनल का अपर मिड बैंड अपर बैंड लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, और अभी एंट्री लेवल हो सकता है, और टीरन लेवल का टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन का वैल्यू एंट्री नोट कर सकता है। तो इसके ऊपर नीचे आप लोग एंट्री ले सकता है। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और इंडेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स का मैंने दिखाऊंगा। ये फ्यूचर्स है ये दोनों, और ये दोनों इंडेक्स है। ये वाइसल लेवल 1, वाइसल लेवल 3 आप लोग कोई भी फॉलो कर सकता है, लेवल 1, 2 और 3। सॉरी, इसके बाद पिवट पॉइंट बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल का वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकता है। ये है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, उसका ओपन प्राइस चैनल टोटल लेवल आप लोग को दिखा देता हूँ, तो ताकि आप लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा। और मैंने अभी कमोडिटी का लेवल दिखाता हूँ, कमोडिटी का जो लेवल है क्रूड इधर बाइस लेवल 1, इसमें 2, बहुत ही बढ़िया तरीका से ये काम करता है। आप लोग चेक लाइव मार्केट में चेक कर सकता है। और इसका और भी कुछ बाकी रह गया, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। वैसे लेवल 1, 2 ये आप लोग पॉज करके भी आप लोग देख ले सकते हैं। और इसके बाद कुछ फ्यूचर्स ऐसे ही आप लोग को दिखा देता हूँ, ऑनली वैसे लेवल 1 दिखाता हूँ, और ये आप लोग इसका भी आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है। और देखिए, मैंने जो 100 डे ईएमए का जो मैंने आज का वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा आज का वीडियो का परफॉर्मेंस वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, इधर जब 100 का मूविंग एवरेज जब करंट कैंडल को करंट कैंडल का हाई लो का बीच में रहता है, किसी जगह से कट करता है, तो उसका हाई लो जब आप लोग ऐसे ही जानता है कि प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट होने से कुछ प्रॉफिट, मतलब प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट एक स्ट्रैटेजी है, वो मतलब अगला दिन का हाई लो जब ब्रेक होता है तो उसका ऐसे ही प्रॉफिट आता है। और जब ये 100 ईएमए का और या मूविंग एवरेज जब उसको कट करता है, ये एक स्ट्रैटेजी है, आप लोग भी चेक कर सकता है। ये मैंने खुद रिसर्च एनालिस करके ये किया हूँ। इधर ये लाइव मार्केट भी काम करता है और प्रीवियस रेंज सॉरी प्रीवियस डे का हिसाब से भी काम करता है। इधर मेरा प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट का भी दिया हुआ है ये इधर से, तो इधर आप लोग जब इसको देखेंगे, ये देखिए अदानी पोर्ट, ये सब स्टॉक्स आप लोग नोट कर सकता है। इसमें कुछ कुछ देखिए, मैंने जो बनाया है जो मूविंग एवरेज जो बनाया है चार्ट में, कैसा का इंडिकेटर बनता है कि वो क्लोजिंग का एवरेज लेता है। मैंने पिवट पॉइंट का एवरेज, मतलब एवरेज का एवरेज लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन आप लोग स्टॉक्स चुन सकता है। और हर एक परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन 90% के ऊपर परफेक्ट आएगा रहेगा। आप लोग को दिखाएगा कि 100 डे मूविंग एवरेज करंट कैंडल को काट किया है, तो एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, सोच लीजिए ये।